दोस्तों आज मैं आपके साथ प्याज की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही एक अदरक का टुकड़ा लिया है और एक हरी मिर्च ली है। तो दोस्तों प्याज की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर बनाएं। दो खड़ी लाल मिर्च ली है, अच्छी जो कलर वाली होती है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि चटनी में अच्छा तीखा लाल रंग आए। यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। तो इस जार में सबसे पहले हमें डालना है अदरक के टुकड़ों को। तो दोस्तों अदरक जो होता है उसे पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े से इसके टुकड़े हार्ड होते हैं, इसलिए मैं हमेशा अदरक के टुकड़ों को जार के सबसे नीचे डालती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये क्रश हो जाए। तो बस अदरक के सभी टुकड़ों को हम इसमें जार में डालेंगे, थोड़े से छोटे टुकड़े ही मैंने किए हैं। और इस चटनी को पीसने के लिए वैसे पानी न डालें तो ज़्यादा अच्छा है। आधा नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ कर डाल रही हूँ। तो लिक्विड चीज़ को ज़रूर नीचे डालें ताकि चटनी को पीसने में आसानी हो और फिर हमें पानी को ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यहाँ पर आधा नींबू लिया है, नींबू अच्छे बड़े साइज़ का है, और आधा नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से आधा नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ली है, मैंने हरी मिर्च कम ली है दोस्तों क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज अच्छे बड़े साइज़ का लिया है और प्याज भी इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च और बस बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया, प्याज, लाल मिर्ची हमने इसमें सब डाल दिया है और अब हमें इसमें ऐड करना है नमक। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं ताकि चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाए। कई बार खाने में सब्ज़ी अच्छी नहीं रह लगती है या घर में किसी को पसंद नहीं आती, तब अगर ये चटनी आप बना लेंगे दोस्तों तब आप देखिएगा खाने का स्वाद चार गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी खाने में चटनी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने सिर्फ आधी छोटी चम्मच नमक डाला है और एक चम्मच मैंने इसमें डाला है जीरा। जीरा डालने से चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिर्च को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है ताकि मुझे पीसने में आसानी हो। हरी मिर्च का भी डंठल अलग कर दिया है और बस अब इसे हम पीस लेंगे। दोस्तों कभी भी चटनी को पीसें तो बहुत ही फाइन पेस्ट ना बनाएं, थोड़ा सा दरदरा ही रखें। थोड़ी सी मोटी मोटी पिसी हुई चटनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और आप देख रहे हैं इसे पीसने से पहले मैंने सिर्फ इसमें आधी छोटी चम्मच ही पानी डाला है क्योंकि प्याज भी अच्छा जूसी होता है और उसे पीसने में हमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्सी चालू कर दी है और बस चटनी को अब हम पीस लेंगे। एक बार इसे ऊपर नीचे कर दें कि कुछ प्याज के टुकड़े ऐसा ना रहें कि ना पिसाएं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी मोटी मोटी ही चटनी पिसी है, थोड़ा सा इसे हम बारीक और करेंगे। इस चटनी को दोस्तों रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या किसी भी नाश्ते के साथ खाएं। यकीन मानिए ये चटनी आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमारे प्याज और लाल मिर्च की चटनी, बढ़िया तीखी सी हमारी चटनी पिस चुकी है। इस चटनी को आप 2 दिन तक भी फ्रीज में रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। किसी भी स्नैक के साथ भी आप इसे खाएंगे, नाश्ते में चाहे पकौड़े में, आपको ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कई बार आपने प्याज और टमाटर की चटनी तो खाई होगी, परंतु ये जो प्याज और लाल मिर्च की चटनी है इसे आप ज़रूर बना के देखें। खटाई कम लगे तो थोड़ा सा नींबू का रस हम इसमें और भी डाल सकते हैं, या आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। तो ये हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों।